अर्श से फर्श तक पहुंचने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जज्बे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कदम इतना मेहनत करते हैं कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। जी हां, सीधी बात में हम आज एक ऐसे ही शख्स से मिलाएंगे जो चिरमिरी से माया नगरी तक के सफर को पूरा किया, आज अपना एक मुकाम बनाया है, लोगों के बीच में एक पहचान है, एक नायक एक अभिनय की भूमिका निभा रहे हैं। जोधा अकबर, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल में लगातार उनके दृश्य देखे जा रहे हैं, दर्शक पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, हम आज आपको मिलाएंगे गोपाल जी से। गोपाल जी, डीडी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। 17 साल बाद चिरमिरी आपकी वापसी हो रही है। जी, चिरमिरी से लेके माया नगरी तक का सफर आपने तय किया। जी, क्या अनुभव रहा, किस तरह की परेशानी आई है और क्या किया आपने, कैसे वहां तक पहुंची? देखिए, वहां पहुंचने से पहले मैंने ख्वाब तो मैंने यहीं जब चिरमिरी में गोदरी पारा में रहता था तभी देखा था। मैंने यहाँ रूट साइड सिनेमा जो दिखाते थे हमारे को हर हफ्ते में, उस समय देखा था। लेकिन उस समय रास्ता मेरे को नहीं सूझता था कि मैं कैसे जाऊंगा, फिल्मों में तो काम करना है लेकिन कैसे जाऊंगा। तो जब मैं पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली गया इंजीनियरिंग करने के लिए, तो वहां मुझे पता चला कि यहाँ थिएटर होता है, नाटक होता है। तो मैंने बोला ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सीखा जाए और फिर उसके बाद शायद बॉम्बे में जाने का मतलब साधन बने। तो मैंने वहाँ थिएटर ज्वाइन किया। वहाँ का सबसे बड़ा ग्रुप था एक्ट वन जी। तो एक्ट वन में मैंने अपना थिएटर शुरू किया जी। वहाँ सीखा, वहाँ हमारे जो टीचर थे एनके शर्मा, बहुत ही कड़क मिजाज के थे वो, मतलब बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता था उनका। तो शुरुआत में तो मुझे जब मैं वहाँ ज्वाइन किया तो सारे जितने भी एक्टर थे सीनियर, उनको चाय पिलाने का काम मुझे मिला जी। तो जब भी ब्रेक होता था, चाय आती थी, मैं सबको चाय सर्व करता था। धीरे धीरे कुछ दिन बाद, कितना कठिन समय रहा होगा वो, जिस समय जब आप अभी याद करते होंगे उस समय को, तो लगता होगा कि क्या किया है मैंने। हाँ, मतलब वो था लेकिन रास्ता ही वही था, वहाँ प्रोसेस ही वही है कि जाते ही आपको रोल नहीं मिल जाएगा नाटक में भी। तो मुझे मालूम था, तो मैंने बोला कि ठीक है, कभी तो मौका मिलेगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रिहर्सल हम कर रहे थे और जो बंदा मेन रोल कर रहा था जी, उस नाटक में, वो नहीं आया था रिहर्सल में। तो मैं चाय पिला रहा था तो डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, इधर आ, वो नहीं आया है, उसकी लाइनों का रिहर्सल कर दे ताकि सब एक्टर लोगों को क्यू मिल जाएगा। तो मैं चाय पिलाता तो था लेकिन बैठ के बड़े ध्यान से हर एक एक्टर का रोल देखता था और मुझे याद भी रहती थी लाइनें। तो वो फिल्म चल रहा, वो नाटक चल रहा था किंग लियर जी, शेक्सपियर का लिखा हुआ है किंग लियर, और जो लियर का रोल कर रहा था वही बंदा नहीं आया था। अच्छा, और लियर मेन रोल था जी। तो मैंने रिहर्सल किया, प्रॉपर मुझे लाइनें याद थी। मैंने कि आपको डायरेक्टर दिखा, बोला अरे तो मतलब कर रहा है, मतलब देखो याद है, मुझे लियर में कास्ट कर दिया उन्होंने। ये ठीक उसी तरह हुआ, कई मूवी हमने देखी है हाँ। जिसमें एक स्ट्रगल कर, नायक स्ट्रगल करता है, लास्ट में देख के दृश्य को देखने के बाद ही ये कहता है कि काफी मौका मुझे मिलता है, मैं इसको अच्छा परफॉर्म कर पाता। ठीक उसी तरह का आपके साथ हुआ। हाँ, मतलब ऐसा ही था, और मेरे मन में भी यही था कि मैं इसलिए ही ध्यान से रिहर्सल को देखता था कि भाई मतलब शायद कभी मतलब बोल दे डायरेक्टर की मतलब तुम प्रॉक्सी कर दो या रिहर्सल में कर दो। तो बस उसी जुनून से मैं देखता था और मौका मिल गया तो किंग लियर किया, वो काफी हिट रहा। उसके बाद और भी नाटकों में मैं काम करता रहा। एक्ट वन के बाद वहाँ साहित्य कला परिषद की रिपेटरी थी दिल्ली गवर्नमेंट की, तो वहाँ इंटरव्यू होता है प्रॉपर, सब मतलब 400-500 एक्टर आएंगे इंटरव्यू देंगे और वो सीट रहती है 20, और 20 में भी 4 रहते हैं ए ग्रेड, 8-10 बी ग्रेड, बाकी सब सी ग्रेड रहते हैं। तो मेरा ए ग्रेड में सिलेक्शन हो गया और कुछ दिन बाद मेरा रेपेटरी चीफ भी हो गया। तो वहां एक जून की हद तक नाटक किया, वहां था दिल्ली गवर्नमेंट की जो संस्था थी वहां तो अच्छी सैलरी भी मिलती थी और एक एक नाटक का उस समय बजट रहता था 20-20 लाख रुपया सरकार की तरफ से, तो पैसे भी अच्छा मिलता था। ऑल ओवर इंडिया हम टूर करते थे। तो जब मैं ये सीख लिया पूरा, जब मतलब कर लिया, तो मेरे को लगा कि अब समय आ गया है कि अब बॉम्बे की ओर चला जाए। तो प्रॉपर अपने आप को थोड़ा सा ट्रेंड करके थिएटर में फिर मैंने बॉम्बे का रुख किया, क्योंकि बॉम्बे देखो ये आपको पता है कि वहां ऐसे आपको कोई पूछेगा नहीं और हजारों लाखों लोग रोज आते हैं अभिनेता बनने के लिए और अच्छे खासे चेहरे वाले बॉडी वाले होते हैं। तो मैंने यही सोचा कि भाई अपने पास कुछ वैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड है नहीं और अपन अपने आप को ट्रेंड करके ही जाएंगे तो वहां पास कुछ रास्ता मिलेगा, तो फिर वहां पास
मतलब कुछ काम वाम मिल सकता है एक्टिंग का। पहली मूवी जो आपको मिली, जिस पहली मूवी में काम किए, एक छोटा सा किरदार था आपका। हाँ हाँ। उसके बाद लगातार आपको ऑफर भी आया। हाँ। कुछ को आपने ठुकराया भी। ये पहले मूवी मिलने का वाक्या कैसा था? वो नायक बना रहे थे तो वो एक मेडिटेरियन करके फाइव स्टार होटल वहाँ रुके हुए थे, तो वहाँ आए तो हम लोग ऐसे लड़के बैठे थे, तो वहाँ सिलेक्शन कैसे हुआ पता है? सब नाटक करते हैं, बोला हाँ अच्छा इसको बुला लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो, उसको बुला लो, तो ऐसे। हाँ वैसे वैसे वाला हुआ, तो उसमें कुछ समझ में आया क्योंकि रोल भी नहीं था, वो दो लाइन का रोल था नायक में। लेकिन पहला जो थोड़ा ठीक ठाक रोल मिला मुझे तो वो था अपना कंपनी फिल्म रामगोपाल वर्मा की थी। रामगोपाल जब दिल्ली बॉम्बे पहुंचा मैं दिल्ली से, तो रामगोपाल वर्मा के ऑफिस में क्या था कि 100-200 एक्टर हमेशा खड़े रहते थे कि रामगोपाल वर्मा कभी गाड़ी से उतरेंगे, हमारे पे नजर पड़ जाएगी तो वो हमको रोल दे देंगे। तो वैसे मैं भी खड़ा हुआ करता था। एक दिन ऐसी मैं अपने फोटोग्राफ्स लेके गया, मैं देने जा रहा था ऑफिस के अंदर, एंट्री अलाउ नहीं थी, तो वॉचमैन ने कहा मुझे फोटो दे दो। ये लगा यार कि मैं इतना नाटक वाटक करके आया और फिर मैं फोटो वॉचमैन को दूं, लेकिन ये है कि आप जितना भी थिएटर करके आए वो तो आपको अपने लिए सही है, लेकिन बॉम्बे में आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। फिर वहां कोई असिस्टेंट मिले मुझे और उनको मैंने अपना फोटोग्राफ दिया, और तीसरे दिन मुझे रामगोपाल वर्मा का ऑफिस से कॉल आ गया कि रामू जी आपसे मिलना चाहते हैं। कैसा रहा वो समय जब पहली बार आप रामगोपाल वर्मा से मिले इतने बड़े? कॉल का भी मैं बता रहा हूँ, मैं उस दिन रात को अपने एक फ्रेंड के यहाँ रुका था जी, और मैं टॉयलेट में गया था। मेरे दोस्त ने फोन उठाया, बोला रामगोपाल वर्मा के यहाँ से फोन आया है। मैं तुरंत भाग के आया, बोले रामू जी मिलना चाहते हैं, 20 मिनट के अंदर आ सकते हो। मैं अंधेरे में ही था, मैं बोला हाँ फटाफट मैं पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंचा तो रामू जी ने बोला कि कैसे एक्टर आए आप जी? मैंने बोला सर मैं खुद कैसे बताऊं कि मैं अच्छा एक्टर हूं या बुरा एक्टर हूं, आप कहें तो मैं कुछ परफॉर्म करके बताता हूं आपको। बोले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे रोल सुनाया, बोला ऐसा ऐसा है और ये रोल है तुम करोगे। उसमें एक रोल था मेरा कि मैं अजय देवगन को गोली मारने जाता हूँ, विवेक ओबराय बचाते हैं, फिर मोहनलाल पकड़ के मुझे टॉर्चर वॉर्चर करते हैं, इस तरह से ठीक ठाक। तो उससे एक पहचान मिली। फिर उसके बाद मुझे मिल गया एक हसीना थी, श्री राम राघवन की फिल्म, वो फिल्म भी बहुत हिट हो गई। जब एक हसीना थी हिट हुई ना, तो बॉम्बे में एक प्रचलन है कि अगर 2-4 सीन के आप रोल कर रहे हैं तो आपको उसी तरह के रोल के ऑफर आएंगे। तो एक हसीना थी के बाद मुझे अच्छे से याद है मुझे 27 फिल्मों के रोल ऑफर आए, 27 फिल्मों में वही एक सीन दो सीन। तो मैंने ये सोचा कि मैं अब ये करने थोड़ी आया हूँ बॉम्बे, मतलब मैंने एक सपना देखा भाई अच्छा एक मुकाम बनाने के लिए मैं मेन विलेन करूंगा या अच्छा मुख्य भूमिका निभाऊंगा। तो मैंने ना जो 27 फिल्में हैं, बड़ा दुख हुआ क्योंकि पैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मना किया, लेकिन दिल पे पत्थर रख के। फिर इसी दौरान बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई, मधुर भंडारकर मुझे बुलाए। मधुर भंडारकर 3 बार नेशनल अवार्ड मिला है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो वो पेज 3 करके एक फिल्म बना रहे थे। पेज 3 जब बना रहे थे तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया रोल, उसमें भी 2 ही सीन का था। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ करके विनम्रता से ही मना किया कि मतलब सर नहीं कर पाऊंगा मैं ये। बोले क्यों, एक हसीना तूने किया था? मतलब सर किया था लेकिन यही थोड़ी सोचा है, मेरे को कुछ अच्छा बड़ा करना है। तो मधुर जी ऐसे मेरे को देखे, बोले तू ये फिल्म कर ले पेज 3, मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ उसमें तेरे लिए रोल है, बहुत अच्छा रोल है। मतलब जब ऐसे बोल रहे हैं आप तो मैं कर रहा हूँ सर। मैंने पेज 3 किया और आप यकीन करेंगे जो ट्रैफिक सिग्नल, जिस फिल्म से मुझे काफी चर्चा मिली, काफी प्रसिद्धि मिली, वो फिल्म के समय मेरा नंबर चेंज हो गया था। अच्छा, मधुर जी के ऑफिस में जिस बंधु के पास मेरा नंबर था या मधुर जी के पास भी था, नंबर चेंज हो गया। मगर उन्होंने तय कर लिया था कि मैं ही करूंगा, किसी तरह भी खोजबीन करके मेरे घर तक बंदे पहुंचा करके मुझे बुलाया गया और वो फिल्म मैंने साइन करी ट्रैफिक सिग्नल। हीरो कुणाल केमू से पहले मैंने वो फिल्म साइन करी थी, मेरे बाद कुणाल केमू ने साइन करी वो फिल्म। तो ये इस चीज के लिए मधुर भंडारकर का तो मेरे मतलब दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो जो बात प्रॉमिस किया था मेरे से उसको पूरा किया। कहने का मतलब कुल मिला के ये कि मेहनत कहीं जाया नहीं जाता, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत किया है तो कहते हैं खुदा भी साथ में रहता है, बस भगवान तो साथ में रहते हैं। और है। आपको निश्चित है वो चीजें मिली। हाँ। अच्छा, आपकी अभी जोधा अकबर चल रही है, काफी प्रचलित है। हाँ हाँ हाँ, जोधा अकबर सीरियल, हाँ मतलब अभी तो नहीं आ रहा है लेकिन अभी 2 साल पहले तक था वो। जोधा अकबर में बीरबल का रोल मैंने किया था
और वो भी मतलब उसका कहानी ये है कि उस समय मम्मी की मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं बॉम्बे से मैं बनारस गया था, उस समय मम्मी को देखने गया था मैं और वहीं हॉस्पिटल में ही था। तो अभी योद्धा अकबर से एकता कपूर ने बोला कि वो गोपाल वो जो ट्रैफिक सिग्नल वाला एक्टर उसको लेना है बीरबल के लिए, तो फोन आया मेरे पास, तो मैं बोला यार देखो, उन्होंने कहा कब से, तो बोला 2 दिन बाद है, तो मैं बोला अभी मम्मी की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 10 दिन बाद अगर आप लोग शेड्यूल लगा सकते हैं तो मैं आ सकता हूँ। उन्होंने 10 दिन वेट किया, मम्मी की जब तबीयत ठीक हो गई हो गया तब मैं गया वहाँ, मतलब बनारस से फिर मैं वहाँ गया और योद्धा अकबर के टीम को ज्वाइन किया मैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, योद्धा अकबर के दौरान भी बहुत अच्छा अनुभव रहा, अकबर योद्धा उदा मतलब सब लोग मेरा एक अलग तरह का रिस्पेक्ट करते थे एज एन एक्टर और खूब मस्तियां करते थे हम लोग सेट पर। उसके कोई ऐसे डायलॉग हो योद्धा अकबर के जो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे जो आपको याद हो? एग्जैक्टली अभी ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसे सोचूं तो नहीं एग्जैक्टली मतलब उसके अलावा कोई भी फिल्म जो आपने मूवी की है उसके में किसी का अगर कोई डायलॉग अगर आपको याद हो? हाँ, एक पगला घोड़ा नाम से फिल्म करी है मैंने और वो फिल्म हॉटस्टार पे है अभी, वो काफी चर्चित भी हुई। और उसके मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पगला घोड़ा का एक सीन है मेरा फेवरेट सीन था, उसको मैंने ऐसे ही फेसबुक पे डाल दिया, कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा व्यू होंगे केवल मेरे फेसबुक पेज पे ही, और इंडस्ट्री के जो टॉप टॉप डायरेक्टर्स हैं, मेरे पास तो वो है भी कमेंट्स में, 102 नॉट आउट के डायरेक्टर हैं ये जो उमेश शुक्ला, बड़े बड़े डायरेक्टर ने उसमें मतलब वो लिखा है, अब गोपाल भाई गोपाल सर हो गया मैं उनके लिए, इस तरह से कमेंट किया कि मतलब माइंड ब्लोइंग अभिनय ये वो। तो उसका ये एक सीन का मैं डायलॉग है वो मैं सुनाता हूँ। 7 कौड़ी, नाम तो हमारा 7 कौड़ी है लेकिन बाबूजी हमसे हमें प्यार से सातू कहते थे। अब प्यार करते थे तभी तो घर से भाग गए, तो कभी खोज खबर ही नहीं ली, मगर हमने ली लक्षो, नाम तो उसका लक्ष्मी था मगर हमको प्यार से लक्षो कहते थे। 2 साल बाद पता चला कि वो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती है, हम तुरंत गए उसे देखने के लिए, जमादार से पूछा कहाँ है वो, वार्ड नंबर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, कहाँ है? जमादार बोला वहां मिलेगी, मुर्दा घर में, मर गई वो। हम गए वहां, देखिए एक अंधेरा सा कमरा था, एक कुत्ता था जिसकी आंखें हमको घूर रही थी, हम पे भौंकने लगा, भौंकने लगा, हम पास गए तो देखे, बोले यार ये तो अपना भलुआ है, लच्छो जिसको खाना खिलाती थी, हम भी रोज खाना खिलाते थे, तो उसको हमको काटने के लिए बोला, लच्छो मरी पड़ी है, आज वही साड़ी पहनी है जो हमने दिया था इसको 2 साल पहले। बोले लच्छो इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लगती हो। बोले बाबूजी साड़ी सुंदर है, हम सुंदर नहीं है? है, सुंदर है लच्छो, हमने तो तुम्हारी खोज खबर ली, तुमने तो कभी हमारी खोज खबर ली नहीं। उस रात घर से जाने के लिए कहा था हमेशा के लिए तो थोड़ी, हम रोज रात को दरवाजा खोल के सोते थे, कभी तो आओगी, नहीं आई। फिर इसी तरह के एक शमशान में हमने उसे जलाया, कुत्ता साला हरामी, रोज खाना खिलाते थे हमको नहीं पहचाना, अरे हम नहीं आते तो तू लच्छो को कंधा देता है? क्या बात है, क्या बात है। दर्शकों को निश्चित रूप से ये डायलॉग और ये डायलॉग का जो छह रहे होंगे, किसी के जीवन में अगर इस तरह की घटना घटती है तो वो जो अभिनय होता है, अभिनय के माध्यम से इसको प्रदर्शित करना आम बात नहीं है। निश्चित रूप से इसको एक नायक जो इस अदाकारी से इसको उस अभिनय को उस पर रूपांतरित कर सकता है, ऐसे ही कलाकार गोपाल जी हैं जिन्होंने अपने एक मूवी के वो डायलॉग बताए
जो हमारे दर्शकों को काफी पसंद आया होगा। इसके साथ ही गोपाल जी मैं ये भी कहूंगा कि अभी आपकी कौन कौन सी नई मूवी जिसमें आप अंधाधुन करके एक फिल्म आई है मेरी, अंधाधुन लास्ट ईयर रिलीज हुई है, आयुष्मान खुराना तब्बू ये वो 2018 की बेस्ट फिल्म उसको कहा जा रहा है, पूरा चारों तरफ चर्चित है। तो उस फिल्म में एक सब इंस्पेक्टर की रोल मैंने किया था। और अभी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है अभय करके Z5 पे, हाल में ही अभी रिलीज हुई है, उसमें कुणाल के मुंह है, दीपक की जोड़ी है, मैं हूँ, वो निठारी कांड पे बेस्ड है, निठारी कांड में जो बच्चों को मार देते थे वो करते थे उस पे बेस्ड है। अभी लेटेस्ट यही दोनों काम आए। इसके साथ ही चूंकि आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव इस चिरमिरी से है, छोटे से जगह से है जहाँ से आप निकल के गए हैं, तो क्या लगता है कभी चिरमिरी को लेके कोई ऐसा अभिनय कुछ करने का सोचा है आपने? मैं एक चिरमिरी को बेस करके हम लोगों का जो बचपन का यहाँ लाइफ गुजरा है, कितनी मस्तियां करते थे, कितना खेलते थे कूदते थे, और अलग तरह का ह्यूमर था, अलग तरह की यहाँ पास उस समय, अभी तो पता नहीं मालूम, मारपीट भी रहता था, अलग रहता, तो उस बेस को लेकर के मैं एक लिख रहा हूँ वेब सीरीज। अगर प्लान हो, प्लान मतलब सही से वर्कआउट हो गया, तो मेरी इच्छा है कि उस वेब सीरीज को चिरमिरी में शूट किया जाए। मैं तो उसको केवल लिखूंगा और उसमें एक विलेन का रोल है वो अभिनय करूंगा, बाकी डायरेक्ट वगैरह कोई और अच्छे बड़े डायरेक्टर करेंगे। तो मेरी ये इच्छा है और मैं उसी दिशा में थोड़ा सा लगा हुआ हूँ कि चिरमिरी के बेस के स्टोरी का एक वेब सीरीज बने, और उस वेब सीरीज का नाम भी केवल यही रहेगा चिरमिरी। एक चीज और, आप यहाँ से माया नगरी तक पहुंचे, आज अपने आप को स्थापित किया, संघर्षरत हैं, और निश्चित रूप से आपको एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, आपके जो दर्शकों हैं उसमें भारी संख्या में इजाफा होगा। इसके साथ चूंकि आपकी धरती है, यहाँ से आपने ये चिरमिरी को लेके आप क्या कमी महसूस करते हैं? चूंकि कभी न कभी जहाँ आदमी रहता है, जहाँ से जुड़ा होता है, उसको लेके दिमाग में कुछ न कुछ रहता है कि यहाँ ये चीजें होना चाहिए, जो कमी है क्या लगता है और क्या होना चाहिए? ये चिरमिरी का अभी देखिए सबसे बड़ा अभी माइनस पॉइंट है कि धीरे धीरे यहाँ मेन जीविका का साधन कोल माइंस ही है, धीरे धीरे कोल माइंस खत्म होते जा रहा है, लोग रिटायर होकर के यहाँ से जो भी है जा रहे हैं, कोई बिलासपुर में घर बनवा रहा है, कोई अपने गांव जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, तो लोगों की संख्या तो कम हो गई है। तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं मतलब कुछ करना चाहूँ या वो भी नहीं, लेकिन ये प्राकृतिक है कि अगर मेरी दिल की इच्छा यही है कि यहाँ दो चार माइंस और भी अच्छी ओपन हो जाए, ताकि जो भरा माहौल, आत्मीयता का माहौल यहाँ चिरमिरी में रहता था वो फिर बरकरार हो। चिरमिरी में एक बहुत अच्छा कल्चर था जो मैं बड़े शहरों में मिस करता हूँ, जैसे सीनियर जूनियर का था, हम लोग जब छोटे थे कोई भी बदमाशी करते थे या कुछ भी करते थे तो सीनियर वगैरह आ जाते तो हम डर के छुप जाते थे, वहां सीनियर भी जो हमारे थे, हमारे से कोई नाता रिश्तेदारी नहीं है, बस यहाँ चिरमिरी में रहते हैं, हमारे सीनियर हैं, वो भी हम कोई गलती करते थे तो हमको दो झापड़ मार भी देते थे, और हमारे माँ बाप भी कुछ नहीं बोल सकते थे पलट के, हाँ तुमने गलती किया तो तभी तो मारे हैं। वो जो आत्मीयता वाला संबंध था अभी का, वो चीजें थी, वो थोड़ा सा मैं भी शायद मिस कर रहा हूँ यहाँ पास, वो चीजें अगर गुमसी हो गई। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छा आपसे बात हुआ हर क्षेत्र के बारे में, चिरमिरी को लेके खास तौर से बात हुआ, चिरमिरी के परिदृश्य को लेके बात हुआ, चिरमिरी में क्या होना चाहिए इसको लेके बात हुआ, आपके संघर्ष के दिनों को याद किया गया, बहुत बहुत बधाई। और हम चाहते हैं डीडी समाचार के माध्यम से कि आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ें, आपके जो दर्शक हैं उनकी संख्या काफी बढ़े और एक मेगा स्टार के रूप में आप अपने आप को स्थापित करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही सीधी बात में हम बात कर रहे थे सीधे गोपाल जी से, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में बात किया। अगली कड़ी में हम फिर एक नए शख्स के साथ मिलाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा।